What's up guys? Finally, first ever road trip मेरा मॉडल का जिसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ. Yes. और ड्राइव भी कर रहे हैं हम लोग किधर नमन? लंदन में. मतलब ऐसा लेन रूल्स फॉलो करना पड़ता है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ. हमारा रोड ट्रिप शुरू हो चुका है. इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स जो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और थोड़ा सा समझ रहे थे, हम लोग लेन को अंडरस्टैंड कर रहे थे और इसमें ऐसा कि हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आ रहा है. बिकॉज आई नो ही इज ड्राइविंग बट मैं थोड़ा सा जीपीएस देख रहा हूँ, वो चीज का ध्यान रख रहा हूँ. बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे स्पीड लिमिट्स एंड लेन चेंज का रूल्स जो है सब फॉलो करना पड़ता है. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का फॉलो करना पड़ता है. मेरी आवाज भी बैठ चुकी है आफ्टर यस्टरडे नाइट यूएफए चैंपियंस लीग. हम लोग ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, बहुत विंड चल रही है एंड बहुत हवा है, लेकिन गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने हीटर लगा के मस्त एकदम गर्म हो चुके हैं. अभी तो रोड ट्रिप चल रहा है, थोड़ी देर में हम लोग रुकेंगे इन अनदर 45 मिनट्स, कुछ खाएंगे वाएंगे. वी विल रीच लाइक हम लोग का डेस्टिनेशन जो है बाइस्टर विलेज. हम लोग 45 मिनट्स में पहुंचेंगे, वहां पे रुक के थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और खाएंगे. क्या स्नोफॉल हो रही है देखो, इनसेन शिट, फर्स्ट एवर ड्राइव. बाप रे बाप, पूरा क्या ठंड होगी भाई जब हम उतरेंगे. सारा यहाँ पे देखो बर्फ पड़ा हुआ है, ये देखिए जो जो ये व्हाइट दिख रहा है आपको पूरा बर्फ पड़ा है. अभी लेफ्ट में थोड़े घर आएंगे उन पे भी बर्फ पड़ा हुआ है, बट नॉनस्टॉप स्नो है ये देखो. नॉनस्टॉप स्नो, एकदम नॉनस्टॉप यहाँ पे. इम्पेकेबल, नेवर सीन बिफोर, मतलब भाई अलग फील है. द फील इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट. सो मैं जो ट्रैक के लिए गया हूँ वहाँ पे मैंने स्नोफॉल नहीं देखा था बिल्कुल भी. इवन दो आई वाज एट 15,000 फीट, बर्फ थी वहाँ पे, आइस फ्रॉस्ट वो सब था और ओले गिर रहे थे वो सब था, लेकिन लाइक स्नोफॉल जो होता है ना प्रॉपर, वो यहाँ पे आके पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं खुद. तो मतलब बहुत इनसेन है, क्या वेदर हो रहा है. अभी हम लोग गाड़ी में डीजल भरवाएंगे और डीजल के साथ साथ वहाँ पे देखते हैं कुछ अगर मंच करने को मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा. यहाँ पे पेट्रोल पंप में ऑब्वियसली इतना मार्जिन नहीं है कहीं भी. सो जो पेट्रोल पंप के साथ में जो स्टोर्स होते हैं ना, डेट इज द रियल प्रॉफिट मशीन स्पेशली इन द यूएस. आई करेक्ट मी फॉर रॉन्ग बट आई रेड दिस समवेयर. तो अभी हम लोग जाके उनको कमाई देते हैं. कमाई देते हैं, थक डॉलर देगा. कैसे करते है क्या करते है. और मैं अभी फिसल गया गाइस, मुझे लग गई पैर पे थोड़ी सी चोट, गाड़ी में बैठ रहा था तो स्लिप हो गया. भैया फुल कर दो. यहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है सब कुछ, चिकन सॉसेज, डोरिटोज, प्रिंगल्स, कॉफी एंड पेप्सी एंड एनिमेस इज आल्सो हियर. बहुत ठंड थी बाहर, इट वाज अ टास्क गाइस. इनसेन बर्फ पड़ रही है एंड हमारी इनसेन शॉपिंग हो रही है. ओ व्हाट द फक, क्या स्नोइंग, अनबिलीवेबल गाइस. मैंने नहीं सोचा था कभी मैं ऐसे स्नो में जाऊंगा. भाई ये तो प्रॉपर स्नो है, लाइक इससे ये लैकोस्टे का माइनक्राफ्ट का कुछ चल रहा है. चलो घुसो. एनिमेस कैसा जा रहा है शॉपिंग, मजा आ रहा है? मन नहीं कर रहा है, सब सस्ता में मिल रहा है. मतलब यहाँ तो पहली बार मुझे भी आगे लगा भाई, एकदम हैवी शॉपिंग हो रही है. बहुत मजा आ रहा है, सब सस्ते में मिल रहा है इसलिए और मजा आ रहा है. फुल पावर, बाहर निकलते बर्फ, अंदर घुसे गर्मी, मतलब दुकान के अंदर. इट्स सुपर फन गाइस. 6:23 हो रहा है, हम लोग का सारा शॉपिंग खत्म हो गया है. हमारी गाड़ी जो है बर्फ से ढक गई है. शिट भाई, इतना स्नोफॉल हुआ है आज. हम लोग अब जा रहे हैं मैनचेस्टर. बट बहुत अच्छा लगा शॉपिंग एंड रोड, आप देखिए क्या मजा आ रहा है चलाने में गाइस. फाइनली थोड़ी सी रोशनी दिखी है हम लोग को रात के 7:30, शाम के 7:30 बजे. ये ऐसे टेम्परेचर में दिखाता है ना, 4 degrees feels like 1 degree. This is 7:30 feels like 12 AM. Time 7:30 है, feels like 12 AM एकदम. बट ये हमारा अभी का वेदर कंडीशन है. स्टिल बहुत ज्यादा स्नो हो रहा है, अब तो थोड़ी सी बारिश भी साथ ही साथ गिरना शुरू हो गई है. बीच में देयर वाज अ फेज जहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल हो रहा था. स्नोफॉल था ब्रो, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था, इनसेनली हैवी. हम लोग को और 53 मिनट से पहुंचने को. कॉन्फिडेंस है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ड्राइव करते वक्त. And that's all because of the weather, yaar. We are so close to Manchester now. It's like 26 minutes remaining. Like a lot of people must be thinking ki hum log road trip actually kya enjoy kar rahe hain, but ये तो ठीक है, मैनचेस्टर तक पहुंचना इज अ डिफरेंट थिंग. बट उसके आगे जो हम लोग को स्कॉटलैंड जाना है, एडिनबर्ग तक, दैट इज द रियल रोड ट्रिप. वो हम लोग दिन में अर्ली निकलेंगे एकदम, तो वो पूरा एंजॉय करने मिलेगा हमें. बट इसमें भी हमने काफी एंजॉय किया, जो स्नोफॉल मिला हम लोग को, इट वॉज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. भाई वो एक
एक्सपीरियंस ही रियल एक्सपीरियंस भाई। रात को आप अनजान शहर पे ऐसा स्नोफॉल, पहली बार स्नोफॉल में ड्राइव कर रहे हो, राइट, वो एक्सपीरियंस भी ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। सो ये जो आप देख रहे हो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी, दिस वॉज द फर्स्ट एवर रेलवे इन द एंटायर ब्रिटेन एंड इट्स फ्रॉम बैक 18th century। अभी हम लोग का लंदन टूर शुरू हो, सॉरी मैनचेस्टर टूर शुरू हो चुका है। पूरा फ्रेश अप होके हम लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम कवर्ड बिकॉज आज बहुत हैवी स्नो हुआ था। एंड द पर्सन विथ अस यू कैन सी इज द गाइड, टू गाइड, ये हम लोग का गाइड दे रहे हैं पूरा। शी विल टेल अस अबाउट ऑल द थिंग्स इन मैनचेस्टर। बहुत सही चीज़ बोली इन्होंने कि ये जो पूरा रेलवे का है, इट्स नो मोर ऑपरेटिंग। ये पूरा हिस्टोरिकल प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ लाइक अंदर अब शॉप्स हो गए अंदर, और हिस्टोरिकल प्लेस हो चुका है, कैसीनोज हो गए अंदर, एंड रेस्टोरेंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें सिर्फ जस्ट फॉर पीपल टू हैव अ गुड टाइम, लीजर टाइम, इन्जॉय। चलो गाइस बताओ ये क्या है। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग बता पाओगे, बट बताओ ये क्या है। हेलो साइंस स्टूडेंट्स, हेलो। याद है मैंने बोला था मैं एक बार एक फैक्ट्री में वर्क करता था, क्लेरिकल वर्क करता था, एंड इट वाज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री। वेल मैं अभी मैनचेस्टर में हूँ, विच इज़ फेमस फॉर इट्स लाइक उसका हिस्ट्री रहा है कि इट हैज़ बीन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक इट वाज अ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था पूरा मैनचेस्टर। एंड दीज आर ऑल द मशीन्स ओवर हियर टेक्सटाइल के। एंड मैं ये लिटरली मशीन्स को देख के मेरे को मेरे फैक्ट्री की याद आ गई, बिकॉज द मशीन्स वर ऑल वेरी सिमिलर, आई वोंट से सेम, बट या सिमिलर मशीन्स है। अब तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है, ये पूरा मैनुअल होता था, हाथ से करते थे एक एक सुई धागा, एवरीथिंग। लाइक द मशीन यूज टू स्टॉप इफ जरा सा भी फ्लॉ हुआ तो मशीन रुक जाता है, मतलब एक भी जरा सा भी कुछ हुआ तो रुक जाता है, एंड देन एवरीवन हैज टू सर्च फॉर इट कि क्या इशू हुआ था। देखो ऐसे टाइप के मशीन्स थे मेरे फैक्ट्री में, थोड़े और लॉन्गर होते थे, लेकिन वो प्रेस हो रहे हैं वहाँ पे, वो बन के निकल रहे हैं। ओह, इसको घुमाने से प्रेस होता है और फिर गिर जाएगा नीचे, तो तब तक टर्न करते रहना है। ये बॉय, अरे भाई नस्ले तू भी कर। रोल्स रॉयस है ये, मैनचेस्टर रोल्स रॉयस, बट देर इज नो लाइक सिंबल नहीं है कोई रोल्स रॉयस का, मुझे तो नहीं दिख रहा। गाइज मेरा टेलीस्कोप तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है पैसे खा गया है। मैं सोच रहा हूँ यही ले लूँ फिर, 50 mm एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, 30 mm। इसको गेमिंग हाउसेस का घर जरूर दिख जाएगा। मून तक देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या। So do people have to, you know, pay and live in this, or how does it work? It's their own boats. Their own boats. Yes. And they have to pay just a bit for mooring here, for leaving the boats here. But it's certainly cheaper than living in the apartments there. Oh, it's right. Obviously makes sense. देखो गाइस ये वाला बोट ना सेल के लिए है। हाउ मच डू द बोट्स कॉस्ट, एनी आईडिया? आई डोंट नो। या सोलर पैनल्स ऑन द टॉप। गाइस इंटरनेट भी है इसके अंदर, हो गया, मैं लाइव स्ट्रीमिंग इसी में से करता हूँ फिर। बेसिकली ये सब कैरावैंस है, जैसे हम लोगों ने मूवीज एंड ऑल में देखा होगा, पीपल लिव इन कैरावैंस हु वांट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। चीपर है ये अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल कि पानी में लोग रहते हैं, उनका घर है, एंड बस वो लोग यहाँ से जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आके इधर ही सो जाते हैं। वाईफाई है अंदर। मैं सोच रहा हूँ इन बोट्स में आके रह लूँ, मुझे सिर्फ एक सांजी लगेगा और एक नामी रेडिएटर लगेगी बस। ये जो बिल्डिंग अभी इंटीरियर लाइब्रेरी देखी है आपने, ये मैनचेस्टर की फर्स्ट एवर बिल्डिंग थी विच रैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब कुछ तभी गैसोलीन पे चलता था। बाय द वे गाइस, आज यूरोपा लीग है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल बेटिस, एंड इसीलिए बहुत शोर है इधर। मैं देख रहा हूँ सारे रियल बेटिस फैंस यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, और मैं यहाँ बाबू साहब चेल्सी का पहन के आया हुआ हूँ। देयर आर सो मेनी रियल बेटिस फैंस ओवर हियर। देखो पूरा भीड़ है, मां कसम स्क्रीनिंग है क्या ब्रो? सब रियल बेटिस फैंस। व्हिच वन इज 16th सेंचुरी? द मिडिल वन, द ओल्ड वेलिंगटन। 16th सेंचुरी का ये, द ओल्ड वेलिंगटन। दिस इज फ्रॉम द 18th सेंचुरी, द वाइट वन। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वॉरहैमर, विच इज अ गेमिंग स्टोर
एंड बहुत कुछ दिख रहा है मुझे गेमिंग का अंदर. लेट्स सी क्या क्या मिलता है यहाँ पे. लेट्स सी इफ आई कैन परचेज एनीथिंग. वेल गाइस ये पूरा इसी चीज से भरा हुआ है, वॉरहैमर से. देयर इज नथिंग एल्स. सो ये वॉरहैमर स्पेसिफिक स्टोर था. पोपट हो गया हम लोग का. वी आर गोइंग समवेयर एल्स नाउ गाइस. अभी हम लोग प्लैनेट सुपर हीरोज जैसे एक जगह पर आए हैं. यहाँ पे क्या क्रेजी क्रेजी चीजें हैं. लाइक लुक एट दिस. मैं वन पीस का ढूंढ रहा हूँ, फिलहाल एक भी नहीं मिला. नारुतो भी था पीछे, ड्रीबी जेड है, डीमन स्लेयर है, माय हीरो एकेडमिया, जुजुत्सु काइसन एंड अ लॉट ऑफ फंको पॉप्स. लाइक पीपल लव फंको पॉप्स. यहाँ पे डीसी एंड मार्वल का भी सामान है. ये लो फाइनली वन पीस का कुछ दिखा मुझे. ऑल द कप्स ओवर हियर आर ऑफ वन पीस. होगा कुछ ना कुछ तो, बट आई हैव ऑलरेडी गॉट. ये देखो, नहीं ये नहीं, मेरे को साबो लगा. अमंग अस का बेड इवन सोफा सेट. वाह भाई क्या जगह है भाई. और कुछ नहीं है क्या लेने लायक यहाँ? नहीं, नहीं मतलब हेडफोन्स टाइप सब सब सही है क्या इधर? मतलब ये बेस्ट हेडफोन उठाया क्या हमने? अनिमेश बिलिंग काउंटर पे जा चुका है, लेकिन मेरे को यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा. सिर्फ देख देख के मज़ा आ रहा है मुझे कसम से. ओ भाई पोकेमोन का निंटेंडो स्विच. आप तो माइनक्राफ्ट से हो नहीं, आप लेगो हो. ये तो गाइज ये आप लोग के लिए. ये देखो नर्फ ब्लास्टर्स, इतने सारे नर्फ ब्लास्टर्स अलग अलग टाइप के. माइनक्राफ्ट एडिशन नर्फ ब्लास्टर. जो जगह हम लोग छोड़ के आए बड़ा दर्द हो रहा है मुझे. ऐसा ऐसा सामान था वहाँ पे. बट एक बात मुझे बाहर निकलती बोलनी थी. तो ये आपको बीज दिख रहे होंगे एवरीवेयर, लाइक ऑन द डस्टबिन ऑल्सो देर इज अ बी ओवर देयर. एंड सब जगह ना ऐसे वॉल्स में भी कहीं कहीं बीज होंगे. इफ़ यू कैन सी वहाँ ब्लैक शीप जो स्टोर है वहाँ पे बी लगा हुआ है एक लेफ्ट में वाइट कलर के उधर. सो मैं इसके बारे में बताना चाहता था. मैनचेस्टर के जो लोग हैं दे कंसिडर देमसेल्व्स एज बीज बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग. मतलब यहाँ पे जो तो ये बीज है इसका मतलब ये है कि मैनचेस्टर के पीपल जो हैं दे कंसिडर देमसेल्व्स एज हार्ड वर्किंग एंड वेरी फ्रेंडली, बट दे विल स्टिंग इफ दे नीड टू. ओके बाय गाइस. मैंने रेडिएटर के लिए थोड़ा सा शॉपिंग किया है और अपने लिए एक हेडफोन्स ले लिया फाइनली, ब्लैक शार्क. गाइस ऐसा आवाज़ आप लोग को हम लोग के अमंगस की स्ट्रीम्स में आता होगा जब डिस्कशन मीटिंग टाइम ऑन होता है तभी. बाय द वे जस्ट अ स्मॉल कलेक्शन. तो बेसिकली होता ये है व्हेनेवर, जैसे ये लोग अवे फैंस है राइट फ्रॉम रियल बेटिस, दैट प्लेस जो मैंने बोला बहुत सारे पब थे जहाँ पे, दैट इज द कॉमन गैदरिंग पॉइंट. और वहाँ से सब लोग फिर स्टेडियम के लिए निकलते बिकॉज यहाँ के 8:30 वही 8:30 बजे या जो भी है मैच शुरू होगा. तो पुलिस की क्या वैन साथ में चलती जा रही है, सारे बदमाश लोग आगे जा रहे हैं, फुल बियर ईयर मार के जा रहे हैं, सब लोग एकदम लाइट हार्टेड एंजॉय कर रहे हैं. हेलो यूनाइटेड फैंस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओल्ड ट्रफर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम. अभी हम लोग हमारे टूर के लिए जा रहे हैं और भी पब्लिक जाते हुए दिख रही है. हम लोग का टूर के उस फेज में आए डायरेक्ट जहाँ पे वी आर एंटरिंग द स्टेडियम. क्या मैसेज है. That is the Sir Alex Ferguson stand, Stretford end. Oh, bhai. Sundar, huh? Kya baat hai? Kasmiro, mashallah. Ab ye log batayenge shayad, huh? Ki Ronaldo kahan baithta tha? Hopefully. Oh, ekdam se Real Betis, ekdam se Chelsea. सीधा डगआउट जा रहे हो हम लोग. फाइन है 5,000 pounds, अ नाइट इन प्रिजन एंड बैंड फ्रॉम ओल्ड ट्रफर्ड. एक राउंड तो बनता है यार यहाँ का, भग लेता हूँ. विजिटिंग टीम का डगआउट एरिया है और ये होम टीम का डगआउट एरिया है. गाइस हम दोनों विजिटिंग टीम से हैं तो फिर हम लोग विजिटर्स डगआउट में आके बैठे. जी बार्सिलोना एंड एम चेल्सी. भाई सोफे लगाए हैं बे, मतलब प्रीमियम इकोनॉमी. द होम साइड यूज्ड टू सिट ओवर हियर विजिटिंग टीम के साइड पे एंड उन्होंने बोला दिस इज वेयर सर एलेक्स फर्गसन यूज्ड टू सिट. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी टिकट होल्डर्स होते हैं सीजन टिकट होल्डर्स, उनके नाम वो लोग यहाँ पे सीधा अलॉट कर देते हैं डायरेक्टली. सीजन टिकट जिन जिन का है वो सब अलॉटेड है उन्हें. क्रेजी शिट.
सो हमारा रोड जर्नी अब शुरू हो चुका है स्कॉटलैंड जाने के लिए। ओल्ड ट्रफर्ड का जर्नी, मैनचेस्टर का जर्नी पूरा खत्म होता हुआ। हम लोगों ने अच्छा टूर दिया, पूरा मैनचेस्टर स्टेडियम देखा हम लोगों ने, ओल्ड ट्रफर्ड। एंड अब हम लोग का फाइनली बहुत लंबा रास्ता है, आप लोगों ने देखा 3 hours 52 minutes रिमेनिंग, पूरा टाइम यही बाबू साहब ड्राइव करेंगे, बट बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो थक का व्लॉग चेकआउट कर देना, क्योंकि हम दोनों का व्लॉग ना भले ही इंटरलिंक्ड है लेकिन बहुत कुछ डिफरेंट भी है, तो आप लोगों का मजा आएगा। दोनों व्लॉग्स चेकआउट करना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।